प्रतिपुर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 14 के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। नगरीय क्षेत्र के गांव के लोग पिछले 20 वर्षों से पानी, सड़क, स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं, जिसके बाद उनके द्वारा इस बार मतदान ना करने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं हाथों में खाली डिब्बे लेकर सड़कों पर तख्तियों को लेकर नारे लगाते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं यह है पृथ्वीपुर के वार्ड क्रमांक 14 का नजारा, जहां लोग नारे लगा रहे हैं कि सड़क नहीं, स्कूल नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। इसमें गांव के बूढ़े, बच्चे, जवान सब शामिल हैं। लोगों की माने तो 20 वर्षों से गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। नेता आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या आज भी जस की तस है, जिसके बाद इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने फैसला किया है कि वह चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पृथ्वीपुर से एसआरबी पर रफत जाफरी की रिपोर्ट। बूढ़ी हो गई, दांत गिर गया, मैं बुढ़ी हो गई, मेरा बच्चा मछुआरा होगा, मैं पिछवाड़ा उड़ के गई थी दादाओं के वोट देने। मैंने सब करा, मैं आज तक कुछ व्यवस्था ना थी, बेटा हूँ कुछ खुनी भी है, अब मैं कुछ नहीं देंगे वोट, ना मैं मीटिंग पे दूंगा, कुछ बच्चन से रोक ना, बैठो बेटा घर। क्या चाहती हूँ? क्या चाहते हैं? मैं वोट जवाई दे, व्यवस्था हो जाए, रोड आ जाए, पानी की, स्कूल हो जाए, बच्चन को मैं ना थी बेटा बे बजा ना रहो, मैं तो जाते ना खेल, तो मैं सकती हूँ। लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा। क्या समस्या है? ये वोट का नहीं डालोगा अभी बार? इसलिए वोट नहीं डालेंगे कि हमारे यहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है। जितने और कार्यकर्ता आते हैं, नेता लोग आते हैं, वो आश्वासन दे जाते हैं कि हम रोड बनवा देंगे, पानी की व्यवस्था करवा देंगे और व्यवस्था करवा देंगे, इसलिए वोट डाल देते, आश्वासन में डाल देते। अब इस समय ये व्यवस्था है कि वोट जब डालेंगे, जब हमारी सारी व्यवस्था पानी की, रोड की, स्कूल की यही व्यवस्था होगी, जब हम वोट डालेंगे आएंगे वे सबकी काला मौका के बड़े तरह से बका देंगे, नहीं करूँ। अरे सांसद यहाँ पे आए हैं? हाँ, सांसद कभी कभी आए ऐसे। अच्छा, कभी कभी ऐसे आए हैं और नहीं आए। सांसद तो अभी कोई नहीं आए, नेता लोग आते हैं, विधायक जी आते हैं और जो पार्षद लोग आते हैं, ये तो बाद में आश्वासन दे के चले जाते हैं। सांसद अभी तक नहीं? सांसद अभी तक कोई नहीं। अध्यक्ष आया है? चेयरमैन? चेयरमैन एक नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, सिर्फ वोट लेने आए। वोट लेने आए और देख के वह चले जाते हैं, बोल जाते हैं कि हम तुम्हारा पानी की व्यवस्था कर देंगे, लाइट की व्यवस्था हो तो ठीक है, और रोड की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, कैब आके चले जाते हैं। हम लोग सीधे सच्चे आदमी हैं, वोट डाले आते हैं, आ जाते हैं, बेकि भी समस्या हल पूरी नहीं होती। तो इस बार आप वोट नहीं डालोगे? नहीं, इस समय वोट नहीं डालेंगे, वोट जब डालेंगे जब हमारी पूरी समस्या हल हो जाएगी, पानी की और रोड की व्यवस्था हमारी पूरी हो जाएगी, स्कूल की, इसलिए हम। कब से समस्या बनी है? ये कम से कम 15-20 साल से, 20 साल से कम नहीं होगी। तब से यहाँ से रह रहा है, जब से हमारे ये परिवार लोग पानी की वजह 5-5-10 किलोमीटर साइकिल लेके, डिब्बा लेके पानी के लिए घूम रहे जा रहे हैं। का को पानी पीना है वो तो कहीं भी मिलेगा तब ले आना पड़ेगा, तो बे पानी नहीं मिला, किसी कुआं पे भी जाते हैं भगा भी देते हैं पानी के लिए। पढ़ने से आए आपको, काय वोट नहीं डालो आप? वोट नहीं डालेंगे, काय नहीं डाले, हमारे गांव में कुछ की व्यवस्था नहीं है, ना स्कूल है, ना हेड पंप है, ना बच्चन को पढ़वे, कहाँ जा रहे स्कूल है, ना खेल ऐसा हो रहा है, किनारे बैठे के लाए कब आ रहे हैं, हमें बहना जावे। दूसरी बात, पानी पीवे को इतना कुआ पे कहाँ जाए, माँ जाए, पानी जाए पानी। अच्छा, तो वोट नहीं डालोगे? वोट का जाए नंग व्यवस्था नहीं, स्कूल बाली बच्चा हो रहा बंगल बढ़िया दस कन में ठठड़ जाए गाड़ी। अच्छा, नेता क्या कहते? नेता से नहीं बोला? नेता का तो क्या करवा दे, दवा ना कौन नहीं सुना, स्कूल नहीं, स्कूल नहीं,